अल्लाह रहमान रहीम रब शराली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली। डियर स्टूडेंट्स अस्सलामु अलैकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने 5.1 के एक और क्वेश्चन को कवर करना है, जिसमें हमारे पास जो इक्वेशंस हैं वो है 2x - 3y ≤ 6 एंड 2x + 3y ≤ 12। ये दो इक्वेशंस हैं, इनको हमने ग्राफ इसका हमने बनाना है। और इसमें एक और कंडीशन भी हमारे पास के y इज आल्सो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनमें जो इक्वालिटीज हैं, इनइक्वालिटीज हैं, इन्हें ख़त्म करते हैं। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, एलिमिनेटिंग एलिमिनेटिंग द इन इक्वालिटी साइंस वी गेट 2x - 3y = 6 एंड 2x + 3y = 12। आप इसे इक्वेशन 1 का नाम दे दें, इसे इक्वेशन 2 का नाम दे दें। और इसमें हमारे पास जो लास्ट में हमने क्वेश्चंस किए थे सिर्फ एक ही क्वेश्चन थी, हमने उसी के पॉइंट निकाले, उसी का ग्राफ बनाया। सेम इसी तरह से दूसरी क्वेश्चन है, इसके भी हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लें एक्स और वाई एक्सिस के ऊपर, और उसके बाद इसको ग्राफ बनाने के बाद चेक करेंगे। नाउ आपने इस तरह से स्टार्ट करना है फॉर इक्वेशन 1। पहले इक्वेशन के लिए 2x - 3y = 6 हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है, इसका हम दोनों इंटरसेप्ट निकालते हैं एक्स और वाई। फॉर एक्स इंटरसेप्ट, एक्स इंटरसेप्ट में वाई को 0 पुट किया जाता है, क्योंकि एक्स इंटरसेप्ट एक्स एक्सिस के ऊपर पॉइंट है और एक्स एक्सिस के ऊपर वाई 0 होता है। तो हमारे पास इक्वेशन बच जाएगी 2x = 6 एंड x = 3। तो पॉइंट हमारे पास जो बनेगा उसे आप लिखेंगे 3 एंड 0, बिकॉज कोऑर्डिनेट फॉर्म में हमेशा पहले x की वैल्यू होती है फिर y की वैल्यू होती है ऑर्डर पेयर में। नाउ फॉर इक्वेशन 1 भी चल रही है हमारे पास, इसमें हमने x इंटरसेप्ट निकाल लिया है, अब हम y इंटरसेप्ट निकालेंगे। फॉर y इंटरसेप्ट में आपने इसी इक्वेशन के अंदर x को 0 पुट करना है, तो हमारे पास इक्वेशन बच जाएगी -3y = 6 और y की वैल्यू हमारे पास -2 हो जाएगी। तो पॉइंट क्या बनेगा, हमारे पास x 0 है और y की वैल्यू -2 है। नौ आपने प्रीवियस क्वेश्चन की तरह एक्स को 0 पुट करना है और वाई को भी 0 पुट करना है इन रेलेवेंट इक्वेशन एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ 1, दैट इज 2x - 3y = 6। एक्स भी 0 पुट किया हमने, वाई भी 0 पुट किया, दैट इज 6। तो 0 < 6 दैट इज ट्रू। जब ट्रू है तो हमने फिक्रा लिखना होता है द सॉल्यूशन, द सॉल्यूशन रीजन इज ऑन द ओरिजिन साइड ऑफ द लाइन। जो सॉल्यूशन रीजन है वो लाइन के ओरिजिन साइड के ऊपर होगा। इसके बाद हम सेकेंड इक्वेशन को सेम इसी तरह से डिस्कस करते हैं और उसके बाद दोनों को कंबाइन शेड कर देंगे हम। ज़रूरी नहीं है कि आप एक इक्वेशन को अलग ड्रा करें उसका ग्राफ बनाएं, दूसरे को अलग ड्रा करें उसका ग्राफ बनाएं, आप दोनों को ड्रा करके उनका कंबाइन जो है वो ग्राफ बना सकते हैं। हमारे पास एक पॉइंट बन गया पहले इक्वेशन के ऊपर 3 एंड 0, दूसरा पॉइंट बना हमारे पास 0 एंड -2 उसी लाइन के ऊपर, एक एक्स एक्सिस के ऊपर है दूसरा वाई एक्सिस के ऊपर है।
Now, अब आपने लिखना है फॉर इक्वेशन टू, फॉर इक्वेशन टू दैट इज 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। अब इसका x और y इंटरसेप्ट निकाले, फॉर x इंटरसेप्ट y को 0 पुट करेंगे हम, तो इक्वेशन हमारे पास 2x is equal to 12, x will be equal to 6, and point हमारे पास क्या बन जाएगा, x 6 है और y की वैल्यू 0 है। Now, अब पुट करते हैं, y को 0 पुट किया था, अब हम x को 0 पुट करेंगे, लिख रहे हैं यहाँ पर, for y इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट में x 0 होगा, जब यहाँ पर x 0 पुट करेंगे हम, तो इक्वेशन हमारे पास आएगी 3y is equal to 12 and y is equal to 4, पॉइंट हमारे पास बन जाएगा, x 0 है और y की वैल्यू 4 है, x एक्सिस के ऊपर पॉइंट आ गया सेकंड लाइन का, और सेकंड लाइन का y एक्सिस के ऊपर हमने पॉइंट फाइंड आउट कर लिया है। अब हम दोनों को 0 पुट करते हैं, इसकी रेलेवेंट इक्वेशन में पुट x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन सेकंड, 2x प्लस 3y इज लेस देन 12, x 0 पुट किया हमने, y भी 0 पुट किया, दैट इज 0 इज लेस देन 12, जो के ट्रू है। जब ट्रू होगा तो हमने क्या लिखना होता है, द सॉल्यूशन रीजन इज ऑन द ओरिजिन साइड ऑफ द लाइन, जो कि हमने लास्ट स्टेटमेंट लिखी थी। अब इसके भी पॉइंट लिख लेते हैं, इसका फर्स्ट पॉइंट हमारे पास आया 6 0, और इसका जो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है वो है 0 4। अब हमने ये चारों पॉइंट्स एक्स और वाई एक्सिस में हमने ड्रा करने हैं, और ये बात आपने जहन में रखनी है कि दोनों इक्वेशन जो है वो ट्रू थी, दोनों के लिए जो वैल्यूज हमारे पास आई है ग्राफ के हवाले से वो ट्रू थी। अब आपने इसको शेड करने के लिए लाइन ड्रा करनी है, ये हमारे पास हो गया एक्स एक्सिस, इस तरफ एक्स डैश, ये वाई एक्सिस है वाई, एंड नीचे हमारे पास वाई डैश होगा। फर्स्ट पॉइंट हमारे पास है 3 0, एक्स पर हमने 3 पॉइंट्स चलने, 1 2 3, ये पॉइंट हमारे पास क्या बनेगा 3 0 एंड 0 -2 1 2। ये हम नीचे क्यों आए हैं, बिकॉज वाई की जो वैल्यू है वो माइनस के साथ है, तो यहाँ पर नीचे जो कोऑर्डिनेट्स हैं वाई के वो माइनस में है, तो ये पॉइंट हमारे पास बन जाएगा 0 -2, हमारे पास है P2, और जो ये पॉइंट हमारे पास है 3 0, ये P1 था, इसको आपने वाई फुट मिलाना है, नीचे लिख लें आप इसे 3 0 P1 है, अब आपने इसे मिलाना है, तो इस तरह से आप इसे मिला दें, ये हमारे पास लाइन आ गई जो कि P2 और P1 से गुजर रही है, ये इसका y इंटरसेप्ट है और ये x इंटरसेप्ट है, तो इसके लिए हमारे पास ये और दिया ओरिजिन, इसको हमने ऊपर की तरफ शेड करना है, बिकॉज इसके ट्रू था तो ओरिजिन साइड शेड करनी है। नाउ लेट ड्रॉ इट्स नेक्स्ट पॉइंट, सेकेंड लाइन हमारे पास है 6 0 3, दैट इज 4 5 6, ये पॉइंट हमारे पास 6 0 है, और नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास 0 4 है, पॉजिटिव 4 है, इस वजह से ऊपर की तरफ जा रहे हैं 3 4, ये पॉइंट बन गया हमारे पास 0 4, इनको भी हमने बाय फुट जो है वो मिला देना है, जी इन्हें मिलाने के बाद अब हमने इसको शेड करना है, और शेड कैसे करना है, आपने देखा कि जो हमारे पास ये पॉइंट P3 और P4 है,
इस लाइन के लिए भी हमारे पास टू था ओरिजिन साइड शेड करनी थी। अब ये पोर्शन ऐसा है जो इस लाइन के ओरिजिन साइड पर वाकई है, अगर हम शेड करते हुए नीचे आएंगे तो हम इस लाइन के लिए तो सही कर रहे हैं बट इसके लिए हम सही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये पोर्शन इसकी ओरिजिन साइड है और ये दोनों की ओरिजिन साइड पे आ गया। और अगर हम आगे जाएंगे तो इसके लिए तो ठीक है बट इसके लिए ठीक नहीं है। अब ये पोर्शन ऐसा पोर्शन है जो दोनों को सेटिस्फाई करता है, दोनों लाइनों की ओरिजिन साइड के ऊपर वाकई है। तो ये हमारा क्वेश्चन होता अगर ये हमारे पास कंडीशन ना होती। कंडीशन थी हमारे पास y इज ग्रेटर देन 0। तो अब हम वो क्वेश्चन करते हैं जिसमें हमारे पास ये कंडीशन है y इज ग्रेटर देन 0। यूं समझ लें कि हमने 2x माइनस 3y इज लेस देन आर इक्वल टू 6 एंड 2x प्लस 3y इज लेस देन आर इक्वल टू 12 ये हमने सॉल्व कर लिया है। ये इन दोनों का सोल्यूशन है कि दोनों लाइनों की ओरिजिन साइड पर ये वाकई है, तो ये इसका ग्राफ बन गया। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है उसमें हमारे पास कंडीशन है y इज ग्रेटर देन 0। और y ग्रेटर देन 0 कहाँ होता है, मीन y पॉजिटिव है। y ग्रेटर देन 0 मीन y पॉजिटिव है। और y पॉजिटिव कहाँ होता है, इस x एक्सिस से ऊपर जो है, ये देखिए हमारे पास ये x है, इस तरफ x डैश y एंड y डैश। अब x एक्सिस से ऊपर जो है ये सारा पोर्शन ऐसा है जिसमें y क्या है, पॉजिटिव है। लेकिन हमने इस शेडेड रीजन में उस इलाके को शेड करना है जिसमें y क्या हो, पॉजिटिव हो, और इन दोनों को भी सेटिस्फाई होना चाहिए। इन दोनों का कंबाइंड रिजल्ट तो ये है जो हमने शेड किया हुआ है। अब हमने इसमें से उस पोर्शन को शेड करना है जिसमें y भी क्या हो, पॉजिटिव हो। तो अगर हम इस लाइन x एक्सिस से नीचे आते हैं तो y क्या हो जाता है, हमारे पास दोनों तरफ नेगेटिव हो जाता है। तो हमने पॉजिटिव रखने के लिए शेडेड रीजन को बाउंड कर देना है कि ये इस x एक्सिस से ऊपर जो है इसका सोल्यूशन है। तो दैट इज द सोल्यूशन। ये हमारे पास ये पोर्शन ऐसा है जो दोनों लाइनों की ओरिजिन साइड पर भी वाकई है और इसमें y भी पॉजिटिव है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का सवाल। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।